हेलो एवरीवन, अलजायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बिरयानी पुलाव। बिरयानी को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। ये हम चिकन के अंदर बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा रिच और पॉपुलर रेसिपी है, हर कोई इसको खाना पसंद करता है। शादी हो या कोई भी और दूसरी तकरीब हो, सब में बिरयानी की डिश रखी जाती है और ये बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो आइए बिरयानी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ये सैलड चावल लिए हैं। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। भिगोने से चावल बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं। बिरयानी को हम चिकन में बनाएंगे, इसलिए हमने 1 kg चिकन लिया है। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 teaspoon हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1 tablespoon इसमें नींबू का रस डालेंगे और 1 tablespoon इसके अंदर ऑयल डालेंगे। नींबू का रस डालने से बहुत जल्दी मैरिनेशन में मदद मिलती है, ये ज़रूर डालना चाहिए। 1/2 teaspoon इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। थोड़ा सा हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डालेंगे। 1 teaspoon इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 200 ग्राम के करीब दही डालेंगे। दही डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे पीसेस पे हम अच्छे से पोट कर लेंगे। सारे इसकी मैरिनेशन हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 4-5 घंटे भी रख सकते हैं। चावल को भीगते हुए हमारे 2 घंटे हो गए थे, तो हमने ये भगोने में करके गैस चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर हम 1 teaspoon नमक डालेंगे। इसमें हमने 3 लौंगें डाली है और 5 है ये छोटी इलायची डाली है। इससे बहुत अच्छी भीनी खुशबू आ जाती है और चावल में अच्छा टेस्ट बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि नमक हमारा सब तरफ से एक जैसा हो जाए। बिरयानी के चावल को हम 90% तक पकाएंगे। इसको पकने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। इसको हम लीड से कवर कर देंगे। जब ये पक जाएंगे तो हम आपको खोल कर दिखाते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अब चावल चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे चावल का क्या हाल है। चावल हमारे 90% तक पक गए हैं। अब हम इसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे। ये खूब अच्छे से गल गए हैं और 10% हमारे बिरयानी के साथ पकेंगे। देखिए ये खूब अच्छे से गल गए हैं। फिर हम दोबारा से भगोना रखेंगे और इसके अंदर 1/2 cup ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये जायफल के फूल डालेंगे और 3-4 हम लौंगे डालेंगे और 5-6 हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे। आधी प्याज को हमने स्लाइसेस में बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जब हमारी प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक डाल देंगे। ये मैंने 3 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। बिरयानी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद है और सभी इसे बहुत चाव से खाते हैं। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से भून गया है और इसे ऑयल भी सरफेस होने लगा है। अब सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे। इसकी हमने मैरिनेशन कम से कम 2 घंटे की है। इसे बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और ये सॉफ्ट हो जाता है। इसका सारा मसाला भी इसके अंदर हम डाल देंगे। जब हम इस तरह से चिकन बिरयानी बनाते हैं ये तो ये बहुत ज़्यादा
मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बिरयानी के अंदर और टेस्ट लाने के लिए हम इसके अंदर 1/2 teaspoon ये गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो जाएगी और मज़ेदार भी बनेगी। और ये हम इसके अंदर 1/2 कटोरी है अचार भी ऐड करेंगे। ये मिर्चों का अचार है, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी बनकर हमारी तैयार होगी। 50% हमने चिकन को गला लिया है, अब 50% हम चावल के साथ गलाएंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देते हैं। गैस फ्लेम को हम बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और इसको धीमी आंच में हम 15 मिनट के लिए दम देंगे। इस तरह से हमारा चिकन भी गल जाएगा और बिरयानी भी हमारी एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी। धीमी आंच पर हम आहिस्ता आहिस्ता ढककर पकाएंगे। लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट के लिए बिरयानी को पका लिया है। देखिए अब ये चावल कैसे खिले खिले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब बिरयानी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए, इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने मज़ेदार हमारी टेम्पटिंग बिरयानी बनकर तैयार हुई है, आप खुद देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।